हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू एसके प्रॉपर्टी चैनल। और आज हम लेके आ गए हैं एक और नया वीडियो, और जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ वो है रीसेल प्रॉपर्टी। और ये है एक 3 BHK फ्लैट जिसके साथ में आपको मिलता है टेरेस। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टावर है, 14 माले का बिल्डिंग है। इसमें आपको प्रॉपर्टी जो अवेलेबल है वो है 2nd फ्लोर पे प्रॉपर्टी। और लोकेशन के बारे में आपको बता देता हूँ, ये आपको लोकेशन आता है 7 स्क्वायर स्कूल के पास में, जैन मंदिर है उसके पास में है ये लोकेशन, न्यू गोल्डन एस्ट एरिया भाईंदर में। और काफ़ी प्राइम लोकेशन है जहाँ से आपको नियर बाय में स्कूल, मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। और आप जैसा कि देख सकते हैं, बिल्डिंग के नीचे आपको काफ़ी स्पेस मिलता है। यहाँ पर 4 व्हीलर का पार्किंग है, 2 व्हीलर का पार्किंग है, काफ़ी बढ़िया स्पेस है बिल्डिंग के नीचे। ये 14 स्टोरी टावर है, प्रॉपर्टी 2nd फ्लोर पर है। बिल्डिंग का आ गया है OC, और यहाँ पे आपको मिलता है MBMC का वाटर सप्लाई है, गैस पाइपलाइन है, सारी फैसिलिटीज़ जो है वो एक्टिव है यहाँ पे। और ये एक रीसेल प्रॉपर्टी है जो मैं आज दिखाऊंगा आपको। और ये 3 BHK प्लस टेरेस फ्लैट है, और काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है, आप देखेंगे ये पूरा वीडियो में। और जो लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जो भी प्रॉपर्टीज़ मैं डालूँ उसके अपडेट्स मिलते रहें। सो व्यूअर्स, आगे हम अभी एंट्रेंस पे, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं विंग का एंट्रेंस है ये। और यहाँ पे आपको मिलता है 2 लिफ्ट, दोनों हाई स्पीड लिफ्ट है यहाँ पर। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा एंट्रेंस एरिया है, आप देखिए ये। और काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे है ये प्रॉपर्टी। और व्यूअर्स, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, इनकेस आपको भी आपका प्रॉपर्टी अगर सेल करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पर, नीचे आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप कीजिए। सो व्यूअर्स, आगे हम अभी फ्लैट के अंदर, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेन एंट्रेंस और फ्लैट का, जहाँ पे आपको मिलता है थोड़ा सा स्पेस, आपको अगर यहाँ पे कुछ डिज़ाइन वगैरह बनाना है एंट्रेंस के लिए या शू रैक वगैरह बनाना है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अभी ये लिविंग एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए एल शेप में लिविंग एरिया है पूरा, और काफ़ी स्पेशियस लिविंग स्पेस है ये। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको फ्लोरिंग जो मिल रहा है ब्यूटीफाइड फ्लोरिंग मिल रहा है, और देन बेसिक फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। फिनिशिंग वर्क आपको थोड़ा बहुत फ्लैट के अंदर करके मिलेगा यहाँ पर। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इन्वेस्टर प्रॉपर्टी है। और देखिए आप लिव में आपको दिखा रहा हूँ डाइनिंग एरिया, और काफ़ी स्पेशियस फ्लैट है ये, वाकई मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है यहाँ पर, और ये काफ़ी स्पेशियस फ्लैट लगा मुझे। और ये लिविंग एरिया के साथ में आप देख सकते कितनी बड़ी बैल्कनी है, ये आप बैल्कनी नहीं एक पॉकेट टेरेस टाइप में आप सोच सकते हैं यहाँ पर है। इसका मेन टेरेस में भी दिखाऊँगा वो, और जो व्यू आप देख रहे हैं यहाँ से बैल्कनी में से, आप देखिए कॉम्प्लेक्स का व्यू है ये पूरा। जो लोकेशन आप देख रहे हैं वो न्यू गोल्डन नेस्ट का एरिया है, ये आपका पूरा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ विंडो में से। काफ़ी लाइट है फ्लैट के अंदर, रोशनी काफ़ी अच्छी है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, हवा उजास फ्लैट के अंदर बहुत ही अच्छा है। और ये आप देखिए लिविंग एरिया, वापस हम आगे लिविंग एरिया में, देखिए काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे बिल्डिंग को OC आया हुआ है, और MBMC का वाटर का कनेक्शन है यहाँ पे, और गैस पाइपलाइन वगैरह ये सारी सुविधा है जो एक्टिव है। और फ्लैट में आपको इंटरकॉम फैसिलिटी भी मिलता है सिक्योरिटी के हिसाब से, CCTV इंस्टॉल्ड है कॉमन एरियाज में। तो फिर ये है डाइनिंग एरिया जो लिविंग एरिया से अटैच है, और मैं आपको लेके चलता हूँ अभी किचन एरिया में। व्यूअर्स, आगे हम अभी किचन एरिया में, और जैसा कि आप देख सकते हैं सेमी मॉड्यूलर किचन है यहाँ पे, और एल शेप में प्लेटफॉर्म बना हुआ है यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन फ्रिज की एरिया जो है वो किचन एरिया में ही दिया हुआ है, फ्रिज के लिए भी काफ़ी स्पेस मिलता है यहाँ पर रखने के लिए। आप देखिए फुल्ली टाइल किया हुआ है किचन के अंदर। ये है किचन से भी जो है थोड़ा गैलरी अटैच होता है, और ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये टेरेस है जो किचन से आपको मिलता है, ये मैं आपको वीडियो में ही दिखाऊंगा थोड़ा आगे। हम पहले भी पूरा फ्लैट देख लेते हैं, फिर एंड में मैं आपको टेरेस भी दिखाऊंगा इसका। आप देखिए पैसेज है, और यहाँ पे आपको 3 रूम मिलता है। ये आपको मैं भी दिखा रहा हूँ जो ये वॉश बेसिन है बाहर का एरिया, और जो कॉमन टॉयलेट है उसके साथ में ही अटैच है यहाँ पर। आप देख सकते हैं वाटर टैंक का फिटिंग दिया हुआ है, 500 लीटर का स्टोरेज है यहाँ पर, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, काफ़ी स्पेस है। वाटर टैंक्स का स्पेस भी बढ़ा सकते हैं आपको, अगर 800 लीटर का टाकी वहाँ पर लगाना है तो आप लगा सकते, काफ़ी स्पेस है।
और व्यूअर्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये है कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे आपको मिलता है इंडियन स्टाइल में वॉशरूम दिया। आप देखिए काफ़ी स्पेस है, बाथरूम्स वगैरह काफ़ी बड़े हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको 10 साल से 15 साल के बीच का कंस्ट्रक्शन है, तो काफ़ी स्पेशियस मिलते हैं रूम्स वगैरह भी, बाथरूम्स वगैरह भी काफ़ी स्पेशियस है। तो व्यूअर्स आगे हम अभी कॉमन बेडरूम में, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका कॉमन बेडरूम एरिया है। यहाँ पे आपको वार्डरोब का स्पेस अलग से मिलता है, ये थोड़ा यूनिक पैटर्न में है, और जहाँ पे आपको कॉमन बेडरूम में भी वार्डरोब का स्पेस मिलता है। और बैल्कनी अटैच है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 2 से 2.5 फीट की बैल्कनी मिलती है आपको यहाँ पर। और ये भी व्यू जो है आपका कॉम्प्लेक्स का व्यू है, आप देख सकते हैं काफ़ी ओपन व्यू है, फ्रंट साइड में कोई भी आपको ऑब्स्टिकल नहीं मिलता है फ्लैट के, और ये काफ़ी लाइट आता है फ्लैट के अंदर इसके वजह से। और आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ व्यूअर्स कॉमन बेडरूम, आप देखिए कितना स्पेस है कॉमन बेडरूम में भी। ये हम पैसेज एरिया में आ गए, और पैसेज एरिया में ही आपको लेके चलता हूँ मैं अभी दूसरे बेडरूम में, और ये मास्टर बेडरूम रहेगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ पहला मास्टर बेडरूम इस फ्लैट का, 3 BHK प्लस टेरेस फ्लैट है ये। बाथरूम में, और काफ़ी स्पेशियस बाथरूम है ये। सो अभी हमने देखा मास्टर बेडरूम, कॉमन बेडरूम हम देख चुके हैं, आपको लेके चलता हूँ तीसरे बेडरूम में, वो भी जो आपका मास्टर बेड होगा। सो यहाँ पर फ्लैट में आपको मिलता है 2 मास्टर बेडरूम और एक कॉमन बेडरूम रहेगा। यहाँ के बेडरूम 3 में आप देखिए यहाँ पे आपको डबल साइड वार्डरोब का स्पेस मिलता है, देन विंडो के ऊपर भी आपको थोड़ा सा स्टोरेज एरिया मिलता है, वहाँ पे भी आप स्टोरेज बना सकते हैं। देखिए बेडरूम ये वाला काफ़ी स्पेशियस है। अब देखिए डबल डबल वार्डरोब का स्पेस मिलता है आपको ये बेडरूम में। और इसका जो बैल्कनी है वो आपको थोड़ा क्रॉस मिलता है, 3 फीट से 4.5 फीट का जो लेंथ जाता है यहाँ पर। और ये भी आपको कॉम्प्लेक्स का गार्डन व्यू मिलता है पूरा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स का एक कॉमन गार्डन एरिया बनाया हुआ है बिल्डर ने यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए गैलरी में आपको दिखा रहा हूँ जो बेडरूम 3 से कनेक्टेड है। सो व्यूअर्स हमने देखा अभी यहाँ पे आपको तीनों बेडरूम्स मैंने दिखाया, ये मास्टर बेडरूम है, इसका भी टॉयलेट एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। देखिए ये टॉयलेट एरिया काफ़ी स्पेशियस है, यहाँ पर भी आपको इंडियन स्टाइल मिलता है। सेम ऊपर आपको लॉफ्ट एरिया है जहाँ पे आप वाटर टैंक का स्टोरेज मिलता है यहाँ पर आपको, सेम MBMC का वाटर सप्लाई है यहाँ पे, और फ्लश में आपको 24 आवर्स का वाटर सप्लाई मिलता है ये बिल्डिंग में। आप दिख रहे अभी मास्टर बेडरूम का बाथरूम। तो व्यूवर्स हमने अभी देखा पूरा फ्लैट मैंने दिखाया आपको यहाँ पे, लिविंग एरिया, तीनों बेडरूम्स। सो व्यूवर्स लेके चलता हूँ आपको मैं अभी टेरेस में। सो व्यूवर्स टेरेस का जो पार्ट है वो किचन से ही कनेक्टेड है आपको, थोड़ा सा आपने देखा होगा, अभी मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं किचन से बैल्कनी में और टेरेस पे जाते हैं।
ये जो टेरेस एरिया है इसको ओनर ने जो है वो कवर कर लिया है पूरा। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं एज ए बेडरूम, आपको यूज़ करना है या आपको ओपन टेरेस करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ओनर ने अपने हिसाब से उसको सेट किया हुआ है। आप देखिए जो गार्डन का व्यू मिलता है आपको यहाँ से। और फ्लैट में वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है, सनलाइट वगैरह काफ़ी अच्छा आ रहा है फ्लैट के अंदर। और यहाँ से आपको बात करते हैं अगर कनेक्टिविटी के बारे में भी, आपको मीरा रोड स्टेशन यहाँ से आपको 2 से 2.5 किलोमीटर पे है और भाईंदर स्टेशन भी आपको मिलता है सेम डिस्टेंस पे 2 से 2.5 किलोमीटर। सो काफ़ी प्राइम लोकेशन है ये न्यू गोल्डन नेस्ट एरिया। अभी आप देख रहे हैं अभी टेरेस एरिया देखिए कैसे कवर किया हुआ है पूरा। यहाँ पे ओनर ने इसको ऊपर फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। तो ये था टेरेस का पार्ट जो किचन से होते हुए आ रहा है। थोड़ा यूनिक स्टाइल में है इसका टेरेस, जो कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं इस फ्लैट को पूरा 4 BHK में। 3 BHK और जो टेरेस ऑलरेडी हाफ कवर किया हुआ है आप वहाँ पे उसको अच्छे से बना के बेड वगैरह लगा दे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपका 4 BHK का फ्लैट हो जाएगा ये। और डियर प्राइसिंग की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और मैंने एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, अगर आपको फ्लैट के इमेजेस वगैरह चाहिए तो आप मुझे डायरेक्ट वो लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको मैं इमेजेस वगैरह शेयर कर दूँगा ये प्रॉपर्टी के पूरे। ये हम आ गए हैं अभी लॉबी एरिया में और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 लिफ्ट है, स्टेयरकेस एरिया है यहाँ पर। ये आप देख रहे जो रेड कलर का पाइप है वो फायर फाइटिंग के लिए दिया हुआ है। तो ये था पूरा 3 BHK प्लस टेरेस फ्लैट। और लोकेशन जो मैंने आपको बताया वो है न्यू गोल्डन नेस्ट एरिया में। और आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।